हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है सीएसएफ ट्रेड में, जी हाँ, सीएसएफ ट्रेड में इसके जो ट्रेड टेस्ट और फिजिकल चल रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो मैं डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जिले से हो, जहाँ से मुझे जैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं आप लोगों के लिए अप टू डेट करता जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वहाँ रुकने से संबंधित हो, चाहे वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, या फिर आपके ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड हो, रनिंग वगैरह कहाँ, और ये सारी नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो है वासरमैन, जी हाँ, वासरमैन ट्रेड से रिलेटेड है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सुशांत जी, जिनका कि वासरमैन का ट्रेड वासरमैन का था, तो और इन्होंने अपना जो है ट्रेड टेस्ट भी क्लियर कर लिया, फिजिकल भी क्लियर कर लिया, और इनका मेरे को मैसेज आया था तो मैंने इन्हें कॉल करी, तो मेरी इनसे लाइव बात हुई है। तो इस बात जो भी मेरी बात हुई है उसे मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ जो इनका जो सेंटर पड़ा था, ये सेंटर पड़ा था मुंडली कटक उड़ीसा, जी हाँ कटक उड़ीसा। तो यदि आपका भी सेंटर यहाँ पड़ा हुआ है कटक उड़ीसा में, तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को अपने उस सेंटर की पूरी जानकारी मिले, उस वहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से हो रहा है, और यदि आप वहाँ के वहाँ पे आपका सेंटर नहीं है फिर भी आप उस इस वीडियो को देखेंगे, ताकि आपको वासरमैन ट्रेड के बारे में जानकारी पूरी मिले। क्योंकि इनका यही कहना है कि सर, आपने जो वासरमैन ट्रेड टेस्ट के जो वीडियो डाला था, उसी वीडियो को देख के मात्र मैंने 4 दिन में अपना ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया, 200 बंदों में से मात्र 8 बंदे पास हुए, जिसमें से कि मैं एक हूं, और मैंने आपका ही वीडियो देखा था 4 दिन पहले, और 4 दिन तक ही मैंने उस तरीके से तैयारी करी, और मैं आज क्वालिफाई हूँ सिर्फ 200 में से 8 बंदों। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। हेलो, हाँ सुशांत बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ सुशांत, मैं बोल रहा था ये एक्स्ट्रा नॉलेज से यूट्यूब। हाँ हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, वो तुम्हारा मैसेज देखा था मैंने, तो कॉल किया था। हाँ हाँ सर। तो क्या कहाँ बाहर हो क्या? हाँ सर, अभी तो मैं घर रिटर्न हो रहा हूँ ना। अच्छा, अभी तो मैं कल रात 2 बज गया था मेरा ट्रेड खत्म होने के बाद। अच्छा अच्छा, बहुत लेट हो गया, सुबह 6 बजे से एंट्री कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और वो ट्रेड वगैरह खत्म होने के बाद वो रात 2 बज जाता है। अच्छा, रात 2 बज गया था। हाँ सर, मतलब वही ट्रेड टेस्ट होते होते। हाँ सर, इतना लेट कैसे हो गया भाई? हाँ सर, वही तो, पहले तो वो हमारा तो हाइट नाप लिया। नहीं तो रात 2 हो गया, रात के 2 बज गए थे। हाँ सर, वो रात 2 बज गया, वो थोड़ा प्रॉब्लम था ना वहाँ पे, जो अभी जो मेडिकल टेस्ट चल रहा है ना SSCGT वालों की। अच्छा अच्छा, वही सेंटर में दोनों चल रहा है। ओह, इस वजह से। हाँ सर। अच्छा, तो सुशांत कौन सा सेंटर, कौन सा था तुम्हारा? कटक सर। कटक सर। अच्छा, तो चलो सुशांत कुछ बताओ वहाँ के बारे में कि क्या है वहाँ, कुछ रुकने उकने का है प्रबंध? सर, रुकने की तो बात मत बोले सर, वहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस बहुत सारा बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, रहने के लिए घर नहीं है, हम लोग तो 3-4 लोग यहाँ मिलकर ऐसे ही एक दुकान में रह गए। अच्छा, रहने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है वहाँ पे। तो अगर कोई बंदा जाए तो जैसे स्टेशन वगैरह से कुछ दूरी होगी? नहीं सर, वो कटक से प्रॉपरली कटक नहीं है, कटक से मुंडली जाना पड़ेगा, कटक से 18 किलोमीटर दूर है वहाँ। अच्छा, कटक से 18 किलोमीटर दूर है। हाँ सर। तो मतलब प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी है। हाँ सर, वो लेडीज, वो लेडीज वगैरह जो आ रहे हैं जो मेडिकल के लिए। हाँ हाँ, SSCGT के लिए, वो तो रहने के लिए बहुत दिक्कत है उनको। हम लोग तो जैसे बाहर एडजस्ट कर रहे हैं, कर देते हैं, लेकिन वो लड़की को बहुत प्रॉब्लम है आने जाने के लिए, रहने के लिए लड़कियों को दिक्कत हो रही होगी। हाँ सर। हाँ, SGT के चल रहे हैं ना, तो अभी मेरे ख्याल से हैं, चल रहे हैं उनके मेडिकल वगैरह। हाँ सर। तो चलो कोई नहीं, फिर उसके बाद कैसे मतलब एंट्री हुई होगी 6:30 बजे तुम्हारी? हाँ सर, 6:30 बजे एंट्री हो गया है। अच्छा, 5:30 बजे बच्चे लोग ऐसे बाहर में लाइन लगा दिए, लेकिन 6 बजे एंट्री हो गया। एंट्री होने के बाद हमारा सब हाइट वगैरह नाप लिया, उसके बाद एक फॉर्म दिया, फॉर्म फिलअप हुआ, उसके बाद हमारा जो
रनिंग हुआ। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग के बाद हुआ है क्या? हाँ सर, पहले उन्होंने बता दिया, पहले जो एंट्री करने के बाद उन्होंने जो उनके जो मेजर साहब है ना, बड़े साहब, उन्होंने आकर अनाउंसमेंट कर लिया कि किसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, सब बता दिया। और वो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी बोला। क्या बोल रहे थे, कास्ट का कैसे ले रहे हैं मतलब? कास्ट तो दो साल का पुराना ही चलेगा, लेकिन सेंट्रल का, सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। चलो, दो साल पुराना ले रहे हैं मतलब वहाँ पे? हाँ सर। अच्छा, एस सी एस टी ओबीसी कोई भी हो? हाँ सर। अच्छा, तुम्हारा किससे था? ओबीसी सर। ओबीसी, तो तुम्हारा दो साल पुराना चल गया। हाँ सर। चल नहीं, मैं अभी तो आपकी यूट्यूब देखकर मैं नहीं बनाया था सेंट्रल फॉर्मेट का सर्टिफिकेट, नहीं बनाया था आपकी यूट्यूब देखकर, मैं उसी दिन ही बना लिया, एक दिन में बना लिया बस। चलो, ये तो बहुत बढ़िया गया तुमने। सर मैं तो पूरा घबरा गया था, मेरा होगा या नहीं, मेरा तो 14 तारीख को इंटरव्यू है, 13 तारीख को मेरे को जाना है, सेकंड सैटरडे पड़ रहा है या संडे पड़ रहा है, कैसे होगा? तो कितना टाइम लग गया तुम्हारा बनाने में? सर वही मैं डीएम ऑफिस को चला गया वहाँ पे, वहाँ पे बस 2-3 घंटा में हो गया, वो पहचान वाला था ना वहाँ पे। अच्छा अच्छा, वो मतलब परफॉर्मा लेके तुमने वहाँ पे साइन वगैरह करा दिए होंगे? हाँ सर। चलो, ये तो बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और फिर उसके बाद वहाँ पे मतलब फिर रनिंग वगैरह में बच्चे निकाल रहे थे क्या? हाँ, रनिंग में तो आज बहुत कम बंदे वो निकल रहे। अच्छा, तो सर ये एक और बात, यहाँ पे तो पूरा स्ट्रीट देखते हैं, यहाँ पे एक भी छूट नहीं देते हैं यहाँ पे, एकदम मतलब 170 to 170। हाँ सर, आज हमारे ग्रुप में आज टोटल बच्चे एंट्री किए थे, 150 बच्चे एंट्री किए थे। अच्छा, और तो हाइट में 10 बच्चे को निकल दिया। अच्छा, उसके बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं बनाना था। अच्छा, उसके बाद वो रनिंग हुआ, रनिंग में तो 30 बच्चे को निकल दिया, 30 या 32 बच्चे को निकल दिया। अच्छा, मतलब टोटल 40 बच्चे निकल गए। हाँ, 40 बच्चे ऐसे ही निकल गए। तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 6 बंदे को निकल दिया। अच्छा, 6 बंदे निकल गए, वो डॉक्यूमेंट लेके ही नहीं आए होंगे सेंट्रल वाला? हाँ सर, वही तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फरमान पूछे तो उनके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है सर, वही तो हमारा स्टेट लेवल का एक जातिगत प्रमाण पत्र है ना, सेंट्रल का क्या होता है, ऐसे ही पूछे तो नहीं, सेंट्रल का एक फरमान टाइम वगैरह नहीं दिया, उनको निकाल दिया। अच्छा, निकाल ही दिया बिल्कुल। हाँ वही ना, सब सेंटरों का अलग अलग है, बहुत मतलब दिक्कत है सभी सेंटर का, कुछ सेंटरों पे कुछ है, कहीं पे टाइम दे दे रहे हैं। हाँ, मतलब परसों 200 बच्चे आए थे, 200 बच्चे को 6 बच्चे सिलेक्शन हुए, टोटल 6 बच्चे 200 में से 6 बच्चे। हाँ, बहुत स्ट्रीट, मैं तो पूरा डर गया था सर, मेरा हो गया या नहीं, मैं तो असाइनमेंट का ट्रेड ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानता हूँ सर, आपकी बस यूट्यूब देखकर मैं थोड़ा बहुत सीख लिया था, 5 दिन में कोशिश करके तो हो गया मेरा, वो आयरन वगैरह तो हो गया है, मैं तो मैं डर ही थी कि मेरा होगा या नहीं, वो तो क्लॉथ वाशिंग नहीं तो क्या क्या करा है? हाँ, ट्रेड टेस्ट का बताओ यार, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या हुआ सर? मैं तो अभी वो क्लॉथ वॉशिंग करने के लिए 20 बंदे को एक साथ छोड़ दिया, 30 बंदों को एक साथ छोड़ दिया, 20 को। हाँ सर, कपड़े धोने के लिए? हाँ सर, वो क्लॉथ वगैरह देते हैं हम, उसके बाद तो साबुन वगैरह और बहुत सारा सामान है। अच्छा, एक बंदे को 15 मिनट का टाइम देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जो बंदा पहले 5 मिनट में खत्म करके देगा उसको 10 मार्क्स मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ सर। तो वो क्लॉथ कौन से थे, मतलब कुछ वर्दी वगैरह थी क्या थी? सर मेरे को तो सर आपको एक यूट्यूब में आप एक बंदे को कॉल किए थे, उन्होंने कहा था सर मेरा एक बानियल पहन के गया था, उन्होंने मेरा बानियल की निकल के तुमने भी वही फॉर्मूला अपना लिया क्या? सर मैंने 3 बानियल लेके गया था, अरे नया नया वाला, तो वहां मतलब पर मैं पूरा रात में रह गई बाहर, तो बाहर रह कर जो धूल मिट्टी हो गया था वो बानियल पे, मैं जान उसकी धूल मिट्टी कर दिया। अच्छा। तो मैं डर रहे थे उनके क्लास उनके बर्जी थोड़ा दे गए धोने के लिए, तो मैं कर पाऊंगी या नहीं, उनको सेटिस्फेक्शन कर पाऊंगी या नहीं, वो मैं डर रही थी,
लेकिन उन्होंने कहा अरे तुम्हारे पापा तुम्हारे पास और कोई शॉट है नहीं सर एक ही है। अच्छा ये बार ये तो पूरा खराब हो गया, ये तो धोके पर सफाई करना पड़ा पूरा चौगा, जितना जितना तुम जल्दी सफाई करोगे उतना आपको मिनिमम 10 मार्क्स मिलेगा। अच्छा, तो मतलब तुमने अपनी ही जो चीज थी उसे ही धो दिया, मतलब उसका बेनिफिट मिल गया तुमको। चलो यार मतलब वीडियो देख के पूरी टीशन का पूरी टीशन का एक बंदा आया था। अरे भाई तू तो बहुत बहुत चालू है नया, मतलब तुमने बताया नहीं यार मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देख के चालू होना यार आपकी यूट्यूब चैनल देख कर ही मैंने सर बहुत दिन भी नहीं सर आपके चैनल के बारे में मैं थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं जानता सर, बस ऐसे ही ट्रेड्समैन बारे में एक सोर्स कर रहा था आपके एक्सटर्नलर्स बारे में। पहले आपका एक एपिसोड आया जो आप कहने वाले जो ट्रेड्समैन के सॉरी वाशरमैन के लिए क्या क्या चीज इम्पोर्टेंट है। हाँ। जो कॉटन और वो वूल्स वगैरह के कपड़े के बारे में आप बता दे रहे हैं उसको मैंने पहले देखा, तो तब तक मैं कुछ नहीं जानता हमारे वाशरमैन के बारे में वो उनको क्या क्या करना पड़ता है तब तक मैं नहीं जानता। पहला तो वो एक बार एपिसोड देखा मुझे अच्छा लगा, तो अरे वाह क्या सर बात है ठीक है। कंटिन्यू तीन चार दिन उसको देखकर मैंने कोशिश करी, तो हमारा घर में जो आयरन करने के लिए जो छोटा वाला जो आयरन इस्त्री पेड़ी है ना वो कितना ग्राम का होगा, 300-350 ग्राम का इस्त्री पेड़ी होगा। वहाँ तो मैं तो इतना बड़ा इस्त्री पेड़ी कभी नहीं मैंने नहीं यूज किया था ना, वहाँ पे आधा किलो का इस्त्री पेड़ी है सॉरी एक किलो का है, आधा किलो की वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली होगी है ना। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है और कोयला वाला है, कोयला वाला का एक है लेकिन मैं तो ऐसी भगवान को प्रे कर रही है भगवान मेरे को कोयला वाला मिलती। अच्छा वहाँ पे कोयला वाला भी रखा हुआ था। हाँ सर, तो वहाँ पे मतलब चूज करना था कि वो खुद बोल रहे थे कि नहीं इससे करो उससे करो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं सर, जो बंदा पहले आया उनको जो जो कोई भी उनके पास मिला अरे तू वो इलेक्ट्रिक वाला करे तू वो कोयला वाला करे ऐसे। अच्छा ऐसे मतलब जिसका पहले हो गया जैसे उसने ले लिया। हाँ सर। चलो मतलब तुम्हारा मतलब काम बढ़िया हो गया, मतलब लकी रहे तुम्हें। तो मतलब सफाई बहुत चीटिंग किया सर, मैं बहुत चीटिंग किया सर। सफाई करने के बाद मतलब तुम्हें आयरन करना पड़ा। हाँ सर आयरन किया सर, आयरन तो मेरा है कि मैंने कपड़ा आयरन करना पड़ा। तो आयरन कर लिया ना ठीक से। हाँ सर वही वो वही एक चैलेंज दिया उन्होंने कहा कि वही जो आपने जो क्लॉथ धो के सुखाया है अभी 10 मिनट के बाद उसको आयरन करना। कैसे आयरन करोगे? अच्छा वो क्लॉथ फिर धोने के बाद उसमें आयरन कर दिया तुमने, वो तो सूखा तो होगा नहीं बिल्कुल भी। 10 मिनट के बाद सर कसके कसके पकड़ के उसको मोड़ के उसको पानी निकाल दिया था। अच्छा अच्छा फिर उसको आयरन ऐसे हल्का हल्का मैं आयरन मरकर वो सुखा दिया था मैंने पूरा। अच्छा चलो बढ़िया कर दिया तुमने। बाद में सिलेक्शन जब हो गया हमारे ट्रेड में सर 8 बंदे सिलेक्शन हुए सर। 8 बंदे सिलेक्ट हुए? हाँ सर 8 बंदे टोटल 8 बंदे। बहुत कम बंदे सेलेक्ट हुए हैं तुम्हारे। बहुत स्ट्रीट है सर, बहुत स्ट्रीट सर। चलो इतने मतलब तुमको तो इतना अच्छा लग रहा होगा कि मतलब कि 200 बंदों में मेरा नाम आ गया, कितनी बड़ी बात है ना। सर जो जिन्होंने बहुत ट्राई करके आए थे वो ट्रेड के बारे में वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, उन्होंने तो फेल हो गए। बताओ मैंने तो यही चीज बताओ, मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो इसीलिए डाला था कि जो नए बंदे हैं वो बिल्कुल बेफिक्र जाएं, बी कॉन्फिडेंट होके जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जो तुमने वो अपनी जो वर्दी जो उसी को धो दिया वो तो मतलब तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो जान एक बंदा आपको कहा था ना सर, मेरा वाला तीन वो कपड़े लेके गया था नया वाला। हाँ, उस बंदे ने बताया था, मतलब तो ऐसा सब जगह नहीं होता ना, तुम्हारे सेंटर में मिल गया बहुत अच्छा रहा ये तो। मतलब मैं थोड़ी ना ऐसे सोच कर गया था, मैं बस लेके गया था पहनकर, बस मौका मिले तो चौका मारते। नहीं नहीं ये टेक्निक बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी है, तो और भी जिनका होगा मैं समझता हूँ कि काम करेगा ये टेक्निक काम करेगी। एक साल तो वो पूरा दिन भर इतना सारा बच्चे आ रहे हैं, वो कितना सारा वो कपड़ा लेकर रखते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कितनों को धुलाएंगे, कितनों को सुखाएंगे, फिर कितनों को बार बार देना भी तो है ना, ऐसा सूखेगा भी कैसे, इतना ठंड का टाइम चल रहा, सूखना भी नहीं है उनको। वही तो मैं घर पे ऐसे ही सोच कर लेता। चलो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब इस तरीके से तुम सेलेक्ट हुए, कुछ काम आई तुम्हारे लिए वीडियो। चलो ठीक है फिर, ठीक है।
ठीक है, अब तैयारी करते रहो, थोड़ा जब इतना इतनी अच्छी तरीके से तुम्हें चांस मिला है तो मैं समझ रहा हूँ कि मौके को खोना मत। सर सब मेरे से जो तो बहुत सीनियर है वो एक अभी वाला आया था ऐसी क्लास का, उनको तो आयरन क्लॉथ आयरन करने के लिए वो रिजेक्ट कर दिया ना। हाँ सर, वो जानता है उनके घर में वो आयरन वगैरह करता है, बस एक मिस्टेक कर लिया सर। क्या कर दिया? बस एक जो वो कॉटन कपड़ा आयरन कर रहा था बस नीचे से फोल्ड हो गया था, उसके ऊपर आयरन मार लिया। अच्छा अच्छा, कपड़ा फोल्ड हो गया होगा, उसने आयरन मार दिया होगा, मतलब जल्दीबाजी में थोड़ा डर की वजह से हो जाता है थोड़ा सा। हाँ सर, मैं तो क्लॉथ वॉशिंग सर मैंने 6 मिनट भी पूरा 6-7 मिनट में क्लॉथ वॉशिंग कर लिया। मेरे सर एक वीकनेस है, मैं अपनी कपड़ा मैं कैसे धोता नहीं हूँ सर, बस 4 दिनों में मैं जितना कोशिश किया ना अपने कपड़ा धोने के लिए, तब बहुत काफी है सर। चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये तो।